Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग है, और आप देख सकते हैं कि ये जो मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी इस समय निकल रही है, और ऐसी मालगाड़ी और रेलगाड़ी और एक्सप्रेस, इस पर करीब औसतन 50 गाड़ियां रोज निकलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितनी जाम की स्थिति रहती होगी। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 30,000 चार पहिया और दोपहिया वाहनों का रोज का आना जाना है। तो ऐसे में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और मालगाड़ी का यह मुख्यतया रूट बन चुका है। तो जाहिर तौर पर हर आधे घंटे में करीब करीब इस फाटक को बंद करना पड़ता है। इस वजह से लंबी लंबी जाम, किलोमीटर की जाम ऐसे ही रोज़ लग जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब लोग देश की राजधानी को जा रहे होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे, और प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जा रहे होंगे, और इस तरीके का जाम हो, तो जाम की स्थिति से कैसे वो निपटते होंगे, कितना परेशान होते होंगे। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी तैनात किया गया हुआ है, आरपीएफ से लेकर और सिविल पुलिस भी यहां तैनात रहती है। लेकिन चूंकि हर आधे घंटे बाद ये बंद होता है, तो ऐसे में तमाम वाहन खड़े हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कारण क्या है बंद होने का। ओवर ब्रिज तो ये बन चुका है, 18 साल पहले ये मार्ग पर कार्य शुरू हुआ था, और 18 साल हो गए इस मार्ग को पूरा होने में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ सरकारें कहती हैं कि वो हर रोज़ कई किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती हैं, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये कितनी कच्छप गति से काम हुआ। इसका दरअसल नक्शा जो है वो काफ़ी लेट से पास हुआ, और नक्शे को लेकर विवाद में भी रहा मामला। इस वजह से ये जो गाटर है इस पर ये नहीं रख पा रहा था ये, और ये काम अटका हुआ था। लिहाजा ऐसे में ये हर दिन जाम के झाम से लाखों लाख लोग परेशान हो रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल एक गाटर रख चुका है, और दूसरा गाटर आप देख सकते हैं उस पर काम हो रहा है, और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही ये दूसरा गाटर भी रख दिया जाएगा। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से सीतापुर से सांसद हैं और चार बार के सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से भी मुलाकात की थी, और केंद्रीय रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ये चालू हो जाएगा। राजेश वर्मा ने खुद आई इंडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि ये जो चुनाव है लोकसभा का, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि वो काम अब फिलहाल शुरू हो चुका है। अब उम्मीद की जा सकती है कि जो बरसों बरस से ये काम रुका हुआ था, ये पूरा हो जाएगा। यानी जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उससे लोगों को परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। परेशानी का हम पहले तो आपको काम दिखाना चाहेंगे कि काम कैसे चल रहा है। फिलहाल ये हाईवे का काम है, फिर भी इसे काफ़ी स्लोली गति से कहा जाएगा, यानी कच्छप गति से कहा जाएगा। लेकिन गाटर रखे जाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अब उम्मीद बंध चुकी है, और जैसे ही गाटर रख जाएगा उसके बाद ये माना जाएगा ये पुल चालू हो जाएगा। तो उम्मीद ही की जा सकती है कि अभी एक महीना लग सकता है, दो महीने लग सकते हैं, लेकिन अब ये पक्का हो चुका है कि ये बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए, क्या पुलिस, क्या एम्बुलेंस, और क्या सामान्य लोग, और क्या वीआईपी लोग, हर कोई इस जाम में फंसता है और फिर ऐसे ही रेंगता हुआ नज़र आता है, और कई बार तो विवाद कर बैठता है, मारपीट कर देता है जाम की झाम से। ये लंबा लंबा जाम आपको दोनों तरफ, जो मोहली से लोग आ रहे होंगे उधर भी लगा है, तो दूसरी तरफ सीतापुर से लोग आते हैं
उधर भी लगता है। तो इस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद आप कर सकते हैं कि बहुत जल्द ही मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं जो ये गाटर रख रहा है, ये एक रख चुका है और दूसरा रखे जाने की शुरुआत हो रही है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि सीतापुर से शाहजहांपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेमपुर फाटक पर जो भीषण जाम लगती थी, लाखों लाख लोगों को परेशानी होती थी, उससे अब बहुत जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। काम शुरू हो चुका है। फिर से हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे, जरा आप एक गाटर को तो दिखा ही रहे हैं, दूसरे को भी दिखाएं कि दूसरे का काम जो चल रहा है ये दर्शा रहा है कि देखिए यहाँ पर वो अंतिम दौर में है, कार्य टेस्टिंग हो रही है, इंजीनियर और उनके लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद काम पूरा हो जाएगा और ये गाटर भी ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। इनकी मशीन, जो गाटर की मशीन है, ज़रा सा उसको दिखाएंगे कि वो गाटर की मशीन आपको लंबी सी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, इस मशीन के ज़रिए इस गाटर को पहुंचाया जाएगा। और अब सूचना ये आ रही है कि पहले हेमपुर फाटक को बंद किया जा सकता था, लेकिन अब सूचना आ रही कि हेमपुर फाटक ना बंद होगा, यानी ना रेल मार्ग पर कोई अवरुद्ध होगा और ना ही सड़क मार्ग अवरुद्ध होगा। इस मशीन के ज़रिए जो है, अब आप देखिए, ज़रा देखिए कि इसमें पुलिस की गाड़ियाँ भी ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट में गई थी, उसमें मंत्री गए थे, वो लौट रहे हैं और वो भी इस जाम के झाम में फंसे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब मुख्यमंत्री के उससे फ्लीट से लौटती हुई गाड़ियां, उसमें मंत्री हैं राकेश सचान, वो लौट रहे हैं और उनकी गाड़ियों का काफिला रेंगने को मजबूर है। जो हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं मंत्री जी की, वो गाड़ियाँ रेंग रही हैं। तो दूर दूर तक उधर जाम है और दूसरी तरफ ज़रा दिखाएं, हम कहेंगे कि ये दिखाएं ज़रा, ये दूर दूर तक इधर जाम है और इधर रेल मार्ग को भी दिखाएं। इसी रेल मार्ग पर जहाँ से ट्रेनें आती हैं बहुतायत में, यानी 50 के आसपास ट्रेनों का रोज़ का आना जाना है और जिसमें मालगाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पैसेंजर ट्रेन हैं, एक्सप्रेस ट्रेन हैं और उनका ठहराव भी है हेमपुर फाटक पर, हेमपुर रेलवे स्टेशन पर। इस वजह से काफ़ी समय लग जाता है जाम में और लोग परेशान होते हैं और अब उस जाम से जो है छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारी मांगे जो हो रही थी, वो मांगे अब पूरी होती हुई फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं। बहुत जल्द ही जब ये गाटर रख जाएगा और यहाँ पर कार्य हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कार्य जो है बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। तो फिलहाल हम जरा अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से दिखाएं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको इस पुल के ऊपर लेकर के वहाँ से ऊपर से आपको नज़ारे को दिखाने का। अब आई इंडिया की टीम आ पहुंची है। आपको बता दें कि सीतापुर से शाहजहांपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर ये ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस पे जो सिलापट पड़ना था, एक जो गाटर पड़ना था लोहे का जो बन रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका था। इस वजह से ये कार्य बहुत ही धीमी गति से हुआ। बताते हैं इसके नक्शे को लेकर दिक्कत थी, नक्शा पास हो गया है। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने इसकी जानकारी दी थी, वो जो है रेल मंत्री से भी मिले थे कि इसका नक्शा आखिर इतना लेट क्यों पास हो रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। वो विवाद ख़त्म होने के बाद अब जो है लोहे का गाटर एक पड़ चुका है। मेरे ठीक पीछे हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएँ जो विशाल जो क्रेन है, वो क्रेन यहाँ पर एक गाटर को रख चुकी है
और वो आपको नज़र आ रही है वो क्रेन यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी है। इस क्रेन के ज़रिए दूसरे गाटर को भी यहाँ पर रखे जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चूँकि एक गाटर रख चुका है, अब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर हेमपुर फाटक पर जो जाम लगती है, जो घंटों लोग उसमें फंसे रहते हैं, उससे आखिर निजात कब मिलेगी। तो एक गाटर रख जाने के बाद अब ये बताया जा रहा है अभी इसको विधिवत चालू होने में 2 माह लग सकते हैं। फिलहाल दूसरे गाटर को रखे जाने की भी कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी भी इसमें 2 माह लग सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। सबसे अच्छी बात जो निकल करके ये आई है, पहले ये कहा जा रहा था कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग को बंद किया जा सकता है, लेकिन अब सूचना आ रही है कि नहीं, वो मशीन के ज़रिए, ये जो मशीन है विशाल क्रेन जो है, इसी के ज़रिए इस गाटर को रख दिया जाएगा और शायद रेल मार्ग और सड़क मार्ग को बंद ना करना पड़े। आरपीएफ से भी इसकी पुष्टि की गई, उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जीआरपी से भी पूछा गया जीआरपी पुलिस से, उन्होंने भी कहा कोई जानकारी नहीं है। रेलवे के अधिकारियों से भी जानकारी चाही गई तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल बंद किए जाने की कोई जानकारी ऐसी नहीं है। तो हम आपको वो, ये गाटर तो आपने पीछे दिखाई रहे हैं, अब ज़रा सा देखिए, आपको दिखाऊंगा कि जो बीच का बचा हुआ भाग है, जिस वजह से यहाँ पर जो है ये जो फाटक है इसके, इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से हर बार इसे हर आधे घंटे बाद लगभग बंद करना पड़ता है। चूँकि 50 रेलगाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, एक्सप्रेस ट्रेनें यहीं से गुजरती हैं, फिर किलो किलोमीटर तक जाम की नौबत आती है। चूँकि हमने आपको बताया कि इस पर ट्रक बहुतायत में चलते हैं और ये वीआईपी मार्ग हो चुका है, यानी दिल्ली से सीधा लखनऊ जाने के लिए भी मार्ग है, तो ऐसे में तमाम लग्जरी गाड़ियों से लेकर लोगों के आने जाने को लेकर वो भी है। तो ये जो बीच का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए मेरे ठीक पीछे, इस हिस्से पर एक दूसरे गाटर को रखने की कार्रवाई जारी है। और आपको दूसरी तरफ ज़रा दिखा रहा हूँ कि जाम देखिए, ये गाड़ियाँ यहाँ रेंग रही हैं। फिलहाल अभी फाटक खुला हुआ है, कुछ देर पहले ये फाटक बंद था। ऐसे में जब फाटक खुलता है तो यहाँ पर बहुत देर लग जाती है गाड़ियों को पास होने में। जब वो पास होती रहती है, इसी बीच दूसरी गाड़ी आ जाती है, कुल मिलाकर जाम की ही नौबत यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि हेमपुर रेलवे फाटक का जाम अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। 17-18 साल से यहाँ के लोग ये जो है दंश झेल रहे थे, परेशान थे जाम से, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब ज़रा सा हम दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको, जो दूसरा गाटर है उसको दिखाते हैं, जो काम चल रहा है, एक रख चुका है और एक ज़रा दूसरे गाटर को देखिए। दूसरा गाटर यहाँ पर देखिए काम चल रहा है इस पर, ये जैसे ही काम पूरा हो जाएगा इसे भी रखे जाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जाम का ज़रा नज़ारा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इसी बीच जाम का ज़रा नज़ारा दिखाएं, कि देखिए मेरे ठीक दूर दूर तक आपको ट्रक भी नज़र आ रहे हैं और गाड़ियां भी नज़र आ रही हैं। और ये ऐसी ही जाम यहां पर फ़िलहाल, रात हो या दिन हो, ऐसी ही जाम लगती रहती है। लोग मजबूर होते रहते हैं, मरीजों के सामने बहुत दिक्कत होती है, जिन लोगों को ड्यूटी जाना है समय पर उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है, और फिर जो माल लेकर गाड़ियां चली हैं उनके लिए ऐसे ही रुकावट पैदा होती है। तो अब ये बहुत जल्दी लाखों लाख लोगों की समस्या दूर होने वाली है। और देखिए दूसरी तरफ ज़रा फिर से कहेंगे अपने कैमरामैन से, दिखाएं कि दूसरी तरफ भी देखिए ये कार्य जारी है, ये गाटर पर कार्य होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं, क्रेनों के ज़रिए काम कर रहे हैं। और हम अपनी बात को इसलिए अब समाप्त करने वाले हैं कि आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम जानकारी, जिसको लेकर लाखों लोग जानना चाह रहे होंगे, कि शाहजहाँपुर सीतापुर मार्ग पर हेमपुर फाटक की जो समस्या है जाम की, उससे कब निजात मिलेगी, जो और भी पूरा नहीं हो पाया है वो कब पूरा होगा, ये भी हमने आपको बताया कि 2 माह में ये विधिवत चालू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद निश्चित तौर पर यहाँ बड़ी समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।